क्या हालचाल दोस्तों, सब बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 5 ऐसे राज्य जहां सबसे ज़्यादा फेक एनकाउंटर्स हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर ये एनकाउंटर सब निकल कर आया कहाँ से। एनकाउंटर भारत और पाकिस्तान में 20वीं सदी के अंत से इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। सन 1990 और 2000 के आसपास मुंबई सिटी पर काफ़ी ज़्यादा अंडरवर्ल्ड या फिर गैंगस्टर या फिर टेररिस्ट का खतरा काफ़ी ज़्यादा मंडरा रहा था। तो इस गतिविधि जो वहाँ पर ये होती थी, इसको कम करने के लिए जो पुलिस थी वहाँ की, उनके बीच और इन अपराधियों के बीच मुठभेड़ होती थी। तो पुलिस को इसमें सेल्फ डिफेंस के लिए गोलियां चलाना पड़ता था। इसमें कभी कभी पुलिस वाले भी मारे जाते थे और कभी कभी ये जो अपराधी थे ये भी मारे जाते थे। तो ये पे जो अपराधी जो मारे जा रहे थे वहां पर, तो वहां से ये सबसे पहले एनकाउंटर शब्द निकल कर आया और फिर ये एनकाउंटर शब्द मुंबई सिटी से निकलकर पूरे राज्य में फैलना शुरू हो गया। तो चलिए बात कर लेते हैं लॉ ऑफ एनकाउंटर के बारे में। आखिर ऐसा कौन सा कानून है जो किसी पुलिस अधिकारी को, किसी क्रिमिनल को जान से मारने की छूट देती है। भारतीय कानून आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं भी एनकाउंटर शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आखिर यह पुलिस को यह अधिकार दिया किसने? यह अधिकार सिर्फ पुलिस वाले के पास नहीं होता है, हर व्यक्ति के पास होता है। आईपीसी के धारा 96 और 106 के बीच आप देखेंगे तो सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। इसके अंतर्गत आप अपनी रक्षा, अपनी फैमिली की रक्षा, अपने रिश्तेदारों की रक्षा या फिर अपने प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अगर किसी की जान चली जाती है तो वह क्राइम नहीं माना जाता है, आपको छूट मिलती है इसके अंदर। सेल्फ डिफेंस के कुछ रूल्स भी है। आप सामने वाले को उतना ही नुकसान पहुँचा सकते हैं जितना वो आपको पहुँचाना चाहता है। मान लीजिए आपको कोई डंडा से मार रहा है, हॉकी से मार रहा है या किसी चीज़ से मार रहा है, तो आप उसी चीज से उसको भी मार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस डंडे से वो मार रहा है आप उसे जान से मार दे। मान लीजिए सामने वाले के पास बंदूक है, वो आपकी जान मतलब लेना चाहता है, तो आप उसकी जान ले सकते हैं क्योंकि उसके पास बंदूक है, वो आपकी जान लेना चाहता है। इसलिए अगर आप देखते हो कि किसी पुलिस से पूछा जाता है स्टेटमेंट में कि आखिर वो क्यों उस अपराधी का एनकाउंटर किया, तो 99% पुलिस वाला यही बोलता है कि वो जो पुलिस का वो जो गन होता है वो छीन कर भाग रहा था या फायर करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए पुलिस सेल्फ डिफेंस के लिए उस अपराधी को मारना पड़ा। लेकिन पुलिस के पास सेल्फ डिफेंस के अलावा एक और अधिकार भी मौजूद होता है। सीआरपीसी की धारा 46 के अंतर्गत अगर कोई क्रिमिनल, कोई अपराधी पुलिस के गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा है और वो जो अपराधी हो वो कोई बड़ा अपराध किया हो और उसके बदले उसे मौत की सजा हो या फिर उम्र कैद की सजा हो, तो पुलिस उसे पकड़ने या फिर रोकने के लिए अपने बंदूक का उपयोग कर सकती है। लेकिन अगर वो अपराधी इतना बड़ा अपराध ना किया हो, कोई छोटा मोटा चोरी किया हो या फिर कुछ किया हो, उसकी सजा मौत की ना हो या फिर उम्र कैद की ना हो, तो पुलिस बंदूक का उपयोग नहीं कर सकती है। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, टॉप 5 ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा फेक एनकाउंटर्स हुए हैं। सन 2000 और 2017 के बीच नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 1782 फेक एनकाउंटर रजिस्टर किए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आखिर पहला राज्य कौन सा है जहां पर सबसे ज़्यादा फेक एनकाउंटर्स हुए हैं। आप गेस करिए कौन सा हो सकता है। अगर आपने यूपी गेस किया तो आप बिल्कुल सही हो। यूपी में आप मानोगे नहीं, पूरे इंडिया का लगभग 44.5% फेक एनकाउंटर्स अकेले यूपी में हुए हैं। लगभग 50% मान लीजिए, मतलब पूरा इंडिया में जितना भी एनकाउंटर्स हुए हैं फेक, उसका मतलब 50% पूरा सिर्फ मतलब यूपी में ही हुआ है। यूपी में पूरे 794 फेक एनकाउंटर्स हुए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में क्या चल रहा है। दूसरे नंबर पर आता है आपका आंध्र प्रदेश, जहां पर 94 फेक एनकाउंटर्स हुए हैं 2000 से और 2017 के बीच। यह पूरे इंडिया का लगभग 5.2% है, जो कि यूपी से कंपेयर करें तो भाई साहब काफ़ी कम है। और तीसरे नंबर पर आता है आपका बिहार। बिहार में 2000 और 2017 के बीच 74 फेक एनकाउंटर्स हुए हैं। यह पूरे इंडिया का 4.5% है। और चौथे नंबर पे आता है आपका झारखंड। झारखंड में 2000 और 2017 के बीच 69 फेक एनकाउंटर्स हुए हैं, जो कि पूरे इंडिया का 4% के लगभग हुए, पूरे इंडिया का एनकाउंटर्स के मामले में। और पांचवें नंबर पे आता है आपका असम। 2000-2017 के बीच असम में 69 फेक एनकाउंटर्स हुए हैं। यह पूरे इंडिया का लगभग 4% के आसपास होता है।
तो यह रहे पांच राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा फेक एनकाउंटर्स हुए हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा अकेले यूपी में हुआ है। ये नीचे जो चार हैं उनको जोड़ लिया जाए तो उससे भी कहीं ज़्यादा अकेले फेक एनकाउंटर्स यूपी में हुए हैं। तो आखिर ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतने ज़्यादा मात्रा में फेक एनकाउंटर्स हो क्यों रहे हैं। ज़्यादातर केसेस पे आप नज़र डालोगे तो ये ज़्यादातर पैसों के लिए या फिर पुलिस जो होते हैं अपने प्रमोशन के लिए ये फेक एनकाउंटर्स करते हैं। आपको ये इन्वेस्टिगेशन तो याद होगा, आगरा में जो वहाँ पर इंडिया टुडे ने इन्वेस्टिगेशन किया था, उन्होंने पता लगाया था भाई बिजनेसमैन के रूप में वहाँ बन कर गए थे वहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर था भाई, मतलब 8 लाख रुपया दो और किसी भी आम आदमी सिविलियन का जान ले लो, मतलब भाई साहब क्या चल रहा है, मतलब पैसे दो और किसी का भी आम आदमी को मार डालो सीधे, मतलब एनकाउंटर कर ही डालो 8 लाख रुपए में। तो आखिर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या एनकाउंटर्स होना चाहिए या फिर नहीं। आप लोग सोच रहे होगे इसमें तुरंत न्याय मिल जा रहा है, जो अपराधी सामने वाला है तुरंत मारा जा रहा है, आप लोग यही सोच रहे होगे ज़्यादातर मुझे पता है। तो यार ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो विकास दुबे क्रिमिनल है, और फिर जो हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ था तो ऐसे लोगों का एनकाउंटर बहुत कम हो रहा है, ऐसे 2-3 लोग हो रहे हैं, और बाकी लोग का क्या जो बेगुनाह है, जो पैसों के लिए जो पुलिस है मार रही है उनको, या फिर प्रमोशन के लिए। आप देखोगे तो 700-800 जो ज़्यादातर यूपी में केस हुआ है वो सिर्फ पैसों या फिर प्रमोशन के लिए हुआ है। तो यार बिल्कुल एकदम गलत है, 2-3 इसमें क्रिमिनल्स मारे जा रहे हैं और फिर इतने ज़्यादा बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, तो ऐसा न्याय का क्या फ़ायदा यार कि 700-800 लोग बेगुनाह लोग मारे जाएँ फिर 2-3 क्रिमिनल्स मारे जाएँ। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ही सोचो अगर आपके घर से कोई बाहर निकला हो, उनका एनकाउंटर हो जाए और पुलिस यह बताती है कि बहुत बड़ा गैंगस्टर या फिर डीलर्स ड्रग्स डीलर कुछ भी था, तो यार आपको कैसा लगेगा, मतलब उसका कोई रिश्ता भी नहीं है उस चीज़ से और पुलिस उसमें फंसा दे रही है उसे और उसका एनकाउंटर कर दे रही है, तो यार बिल्कुल गलत है। आप लोग के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, जब इसका सलूशन एनकाउंटर नहीं है तो फिर क्या है। इसका सलूशन है जो हमारे देश में जो वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं उसको फिल किया जाए। 2019 में हमारे देश में 5,20,000 से ज़्यादा पुलिस की वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं, और अकेले सिर्फ यूपी की बात करें तो पूरे यूपी में 1,20,000 से ज़्यादा पुलिस की वैकेंसियां खाली पड़ी हैं 2019 के मुताबिक। जाहिर सी बात है जब पुलिस की वैकेंसी खाली रहेगी तो पुलिस की संख्या तो ऑलरेडी कम रहेगी, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन में टाइम तो लगेगा ही, जो डिले तो उसमें हो गई जाहिर सी बात है। तो इसका सलूशन यही है भाई साहब, जो ये वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं उसको फिल किया जाए। और सेम इसी प्रकार हमारे देश में जजेस की संख्या भी काफ़ी कम है, तो जाहिर सी बात है जब इनकी वैकेंसी खाली रहेगी तो जो ये न्याय देने में डिले तो हो गई, तो इसका उपाय यही है भाई साहब कि जो ये वैकेंसी जो भी खाली पड़ी हुई है उसको जल्द से जल्द फिल किया जाए। एक बात समझ में नहीं आती, इतनी ज़्यादा वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं पुलिस में, खाली पड़ी हैं, जज की संख्या कम है, टीचर्स कम है, और भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आप देखोगे तो खाली पड़ी हुई है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है भाई उसको फिल कर नहीं रही है। और मोदी सरकार ने जब चुनाव हो रहा था उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट लाने की बोला था कि जब मेरी सरकार आया तो मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द से जल्द लाऊंगा, बट अभी तक क्या हुआ भाई साहब, वो तो आया नहीं। लेकिन अगर ये आ जाता है तो भाई साहब जल्दी जल्दी जो जस्टिस का जो न्याय है लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन देखो अभी तक तो आया नहीं, पता नहीं फ्यूचर में आएगा भी या नहीं। तो यार आपकी क्या राय है इन सब के मामलों में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम।